हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही बेटा? तो हम लोग बेटा फंक्शनल एनालिसिस के अगले वीडियो पर आ चुके हैं। तो बच्चों, फंक्शनल एनालिसिस की पूरी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसके वीडियो स्टार्टिंग से आप पढ़ लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है बच्चों, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन 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 स्टार्टिंग से थोड़ा आपको जरा इसके वीडियोस पढ़ने होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग नॉन लीनियर स्पेस में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बातें बताई थी कि भाई कंटिन्यूअस फंक्शन नॉन लीनियर स्पेस में कब कहा जाएगा। अब देखो बच्चों, आज हम लोगों को सीरीज की समेबिलिटी, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी नॉन लीनियर स्पेस में, ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ध्यान दो जरा यहां पर, हम लोग जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है बच्चों समेबिलिटी, समेबिलिटी इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। देखो जरा समझो बच्चों ध्यान से, समेबिलिटी इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने सीरीज एंड सीक्वेंस पढ़ा था रियल नंबर में, रियल नंबर में सीक्वेंस भी मैंने पढ़ाया है। तो सीक्वेंस के वीडियो मैंने रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं, और सीरीज के वीडियो मैंने अलग से अपलोड किए हुए हैं, उस प्लेलिस्ट का नाम है ना कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, है ना। अगर आप लिख देंगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपको मिल जाएगा रियल एनालिसिस में, है ना। रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट अलग है, उसमें सीक्वेंस के वीडियो हैं और उसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के भी वीडियो हैं। सीरीज के वीडियो अलग प्लेलिस्ट में, उसका नाम है कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। देखो मैं अगर याद रहा मुझे तो नीचे मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, अगर याद रहा तो, और दिमाग से उतर गया तो कह नहीं सकते। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँ। देखो बच्चों, जैसे हम रियल नंबर में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं, जैसे कि आपको याद होगा हम रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर में क्या होता है बच्चों, हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं। तो सीक्वेंस रियल नंबर में क्या होता है, एक फंक्शन होता है एन से लेकर आर तक, एन का मतलब नेचुरल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर। तो जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन ये ले लिया एफ एन बराबर एन प्लस वन बाई टू, तो ये एक सीक्वेंस हो गई हमारी, जो फंक्शन है मतलब एन की वैल्यू नेचुरल नंबर से आएगी, मतलब एन की वैल्यू वन लेंगे तो एफ वन मिलेगा, एन की वैल्यू टू लेंगे तो एफ टू मिलेगा, थ्री लेंगे तो एफ थ्री मिलेगा, और लास्ट में एफ एन लेंगे तो एफ एन मिलेगा, है ना। सीक्वेंस में एन की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, नेचुरल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो ये टर्म इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, है ना। तो अब देखो जैसे एन को वन रखेंगे तो वन प्लस वन बाई टू वन आएगा, एन को टू रखेंगे तो थ्री बाई टू आएगा, थ्री रखेंगे तो टू आएगा, एंड सो ऑन, और एफ एन देखो यही। तो ये हमारे सीक्वेंस के अलग अलग टर्म्स हो गए, है ना, सीक्वेंस के अलग अलग टर्म्स हो गए हमारे। इन्हीं को हम कई बार x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी सीक्वेंस को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, या पूरी सीक्वेंस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब उसका हम nth टर्म लिख देते हैं तो वो सीक्वेंस हो जाती है। फिर क्या होता है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसके nth टर्म की लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn बराबर कुछ फाइनाइट आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, सब मैंने पढ़ाया हुआ, आपको थोड़ा हिंट दे रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है बेटा यहाँ पर, क्योंकि चीज़ों को रिलेट नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे, ध्यान रखना, है ना। चीज़ों को अच्छे समझने के लिए उसको रिलेट करना पड़ता है पुरानी चीज़ों से, देखो ध्यान दो। अच्छा, फिर क्या होता है, ये तो हो गई सीक्वेंस की बात, सीक्वेंस का मतलब हम एन से आर तक एक फंक्शन लेते हैं। फिर हो गई हम सीरीज की बात करते हैं, सीरीज में क्या होता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा ऑफ एफ एन, मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा ऑफ एन प्लस वन बाई टू, तो हमारी ये सीरीज हो जाती है। मतलब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ एफ एन का मतलब एन की वैल्यू वन लेंगे तो एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एंड सो ऑन, तो ये हमारी देखो एक सीरीज बन जाती है, ये हमारी एक सीरीज बन जाती है ना। तो ये हमारी सिग्मा का मतलब सीरीज में भी क्या होता है, सीक्वेंस के टर्म्स को अगर आपस में ऐड कर दें, है ना, तो वो सीरीज बन जाती है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, इस सीरीज के एन टर्म का सम निकाल लेते हैं, है ना, एफ वन प्लस एफ टू
एंड सो ऑन एफ एन करके इसके एन टर्म का सम निकाल लेते हैं। फिर अगर इसके एन टर्म के सम की लिमिट इंफिनिटी पर कुछ एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट आती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। सीरीज क्या है हमारी? कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर एन टर्म का सम है ना, अगर एन टर्म के सम की लिमिट, ठीक है, तो इस जो एसएन आता है ना एन टर्म के सम की वैल्यू, उसकी हम इंफिनिटी पर लिमिट लेते हैं, अगर वो फाइनाइट आती है तो हम कहते हैं सीरीज कन्वर्जेंट है। सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए एन टर्म के सम की लिमिट लेनी होती है, सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने के लिए उसी सीक्वेंस के एन टर्म की लिमिट लेनी होती है। दोनों में डिफरेंस है ना। अच्छा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसी चीज को हम कहते हैं ये हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकल आया, है ना। अगर ये इंफिनिटी पर लिमिट एसएन की एग्जिस्ट करती है तो जो रिजल्ट आता है उसी को हम कहते हैं ये हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है। सर मैंने पढ़ाया है वो डिटेल से, आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो मतलब सीक्वेंस का कन्वर्जेंस और सीरीज के कन्वर्जेंस की बात हम रियल नंबर में करते हैं, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप जाके देखिए। कोशिश करूंगा मैं नीचे लिंक दे दूं, अगर आप पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मैंने आपको काम भर का समझा दिया। डिटेल से पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट पे जाके पढ़िए, काम भर का समझे। देखो बिल्कुल सेम यहां पर भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में भी यही कहानी है। देखो नॉर्म लीनियर स्पेस में क्या कहानी है, देखो इसी चीज को, जैसे क्या होता है, समझो बात को ध्यान से, जैसे कि इसी चीज को हम लोग, है ना, क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मान लो मैंने एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर xn की लिमिट निकाली और ये फाइनाइट है। मान लो मैंने n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर xn की लिमिट निकाली, मान लो ये l आ गई, तो हम कहते हैं कि xn converges to l, मतलब वही है कि इंफिनिटी पर लेंगे तो l जाएगा, या ऐसा कह दीजिए कि mod of xn minus l converges to 0, ऐसा भी कह सकते हैं when n tending to infinity, या ऐसा भी कह सकते हैं कि mod of xn minus l जो है less than some epsilon होगा, है ना, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। ये हर बार नहीं लिखते हैं, इसको छुपा लेते हैं, मतलब वही होता है। यहाँ पर ध्यान दो, देखो यही चीज यहाँ पर भी है, यही चीज सम में भी है कि हम कहते हैं मान लो हमारा सम, मान लीजिए फाइनाइट आया, मान लीजिए हमारा सम जो है वो ऐसा आया, मान लीजिए हमारा सम ऐसा आया, तो हम कहते हैं कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एस जो है वो टेंडिंग टू जीरो है, है ना, एक ही बात है। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बार बार लिखते नहीं, मतलब वही है कि n tending to infinity पर ऐसा हो रहा है कि sn और s के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो है, तभी ये मतलब हुआ कि भाई n tending to infinity पर जो sn है वो करीब करीब s के इक्वल है, तभी तो उनके बीच का डिफरेंस करीब करीब जीरो हो जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेट जीरो। अच्छा अब देखो नॉन लीनियर स्पेस में भी यही कहानी आ गया ही। नॉन लीनियर स्पेस में यही जो आप n टर्म्स, है ना, sn, sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स की लिमिट इंफिनिटी पर निकाल रहे हो, वो एग्जिस्ट कर रही है, तो नॉन लीनियर स्पेस में जैसे हम कहते हैं सिंपल सीक्वेंस में हम कहते हैं सीरीज कन्वर्जेंट है, है ना, रियल नंबर की जो सीरीज होती है उसमें हम कहते हैं कि भाई n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर sn की लिमिट अगर आ गई तो हम कहते हैं सीरीज कन्वर्जेंट है। इसी चीज को नॉन लीनियर स्पेस में समेबिलिटी कहा जाता है। समेबिलिटी का मतलब इनफाइनाइट तक आप उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मतलब वही हुआ ना कि इनफाइनाइट तक हम अपनी सीरीज को सम कर सकते हैं और उसका सम s आएगा, मतलब सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम s आएगा अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तब। तो ये तो सीक्वेंस की बात हो गई रियल नंबर में। जब हम नॉन लीनियर स्पेस में आते हैं तो नॉन लीनियर स्पेस में इसी कॉन्सेप्ट को समेबिलिटी बोला जाता है। समेबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि हम इनफाइनाइट तक अपनी सीरीज को सम कर सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है, इसको हम समेबिलिटी बोलते हैं। देखो ध्यान दो, अगर हम नॉन लीनियर स्पेस में देखें तो क्या होता है, जरा समझो। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने,
नैनों से अपने। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास सिग्मा यू एन एक सीरीज है ना, सीरीज है किसमें, नॉर्म लीनियर स्पेस में, एन एल एस का मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस में मेरे पास एक सीरीज है ना। और सीरीज में क्या होता है, एन की वैल्यू वन से इंफिनिटी जाती है, यहां पर मान लीजिए है ना, इनफाइनाइट तक जाने वाली सीरीज है। तो हम कहेंगे कि दिस सीरीज सीरीज इज समेवेबल है ना, दिस सीरीज इज सॉरी दिस सीरीज इज समेबल है ना, समेबल इन नॉर्म लीनियर स्पेस 2s, मतलब इस सीरीज का सम s के बराबर है किसमें, नॉन लीनियर स्पेस में है ना। इफ इफ मॉडुलस सॉरी इफ नॉर्म ऑफ sn माइनस s टेंडिंग टू जीरो, मतलब वही हुआ कि अगर आप sn की इंफिनिटी, अब चूंकि ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट भी तो रियल नंबर के लिए ही है ना। नॉन लीनियर स्पेस में आप लिमिट जैसी कोई चीज कहां पढ़ते हैं भाई, लिमिट का कॉन्सेप्ट भी जो हम पढ़ते हैं ये रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं। इन जनरल स्पेस में हम नॉन लीनियर स्पेस का कॉन्सेप्ट, मतलब इन जनरल स्पेस में भाई, नॉन लीनियर स्पेस क्या है, इन जनरल स्पेस है, उसमें एन डायमेंशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, बल्कि जो उसका मतलब है वो यूज करते हैं कि जो sn है वो अप्रोक्सीमेटली s के आसपास होगा। sn क्या है, sn वही n टर्म का सम, sn क्या है, sn हमारा हो जाता है n टर्म का सम, ठीक है। sn क्या होगा, मतलब as हम कहते हैं as n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर n इंफिनिटी पर जाएगा तो sn हमारा s के आसपास जाएगा। sn क्या हो गया, sn हमारा हो गया n टर्म का सम, ठीक है। sn क्या हो गया, sn हो गया u1 u2 से लेकर के un, मतलब इस सीरीज के n टर्म का सम, ठीक है। इसको हम sn को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ ठीक है पार्शियल सम्स, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इसको हम लोग कह सकते हैं, कई किताबें इसको ऐसा लिखती हैं। sn का मतलब वही n टर्म का सम है, तो मतलब अगर n इंफिनिटी पर जाएगा तो ये sn जो है ये s के आसपास जाएगा, मतलब वही हुआ, मतलब कहने का वही हुआ कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जो sn की लिमिट है वो s के आसपास होगी, मतलब इसको रियल नंबर के वर्ड्स में बोले तो। अदरवाइज नॉन लीनियर स्पेस में इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, इस बात को जरा यहां पर ध्यान देना, नॉन लीनियर स्पेस में इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर ध्यान दो कि sn क्या है, sn तो वैसे n टर्म का सम है, लेकिन हम इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो अगर sn की लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी हम कहते हैं कि ये सीरीज जो है वो इनफाइनाइट तक समेवेबल है, मतलब इनफाइनाइट तक इसका हम सम कर सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट टर्म तक इसको हम सम कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक ये समेवेबल है नॉन लीनियर स्पेस में, ठीक है ना। तो ये बात यहां पर बच्चों जरा ध्यान दीजिए। देखो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सिग्मा ऑफ यू एन जो है एन बराबर वन टू इंफिनिटी, इसका सम जो है वो मान लीजिए एस होगा, इसका सम एस होगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो, है ना, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये इसका सम होगा। या आप देखो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यू एन एन बराबर वन टू इंफिनिटी का जो सम है ये कुछ फाइनाइट होगा, क्योंकि s कुछ फाइनाइट होगा, तो मतलब ये लेस देन इंफिनिटी होगा, लेस देन इंफिनिटी का मतलब ये सम कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा, ये सब एक ही बातें हैं। आप कह लो कि ये ऐसा हो रहा है, आप कह लो कि ये ऐसा हो रहा है, आप कह लो कि ये ऐसा हो रहा है, ये सब एक ही बात है, मतलब वही हुआ कि n बराबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक का जो सम निकलेगा वो कुछ फाइनाइट होगा, और जब वो कुछ फाइनाइट होगा तो डेफिनेटली वो इंफिनिटी से तो कम होगा ही होगा, है ना, ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये सब बच्चों यहाँ पर एक ही चीजें हैं, तो ऐसी सीरीज को हम समेवेबल सीरीज कहते हैं नॉन लीनियर स्पेस में, है ना, ये बात जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो। देखो अब इसी में एक टर्म देखो और भी होता है, इसी में एक टर्म और भी होता है, अब्सोल्युटली समेवेबल, अब्सोल्युटली
समय बेबल। देखो एक टर्म ये होता है एब्सोल्यूट, ये हम लोगों ने रियल नंबर में भी पढ़ा था, एक पढ़ा था कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, एक पढ़ा था एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। वहां पर क्या करते थे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए क्या करते थे, उनके टर्म का मॉडुलस ले लिया करते थे। वहां पर क्या करते थे, उनके टर्म, क्योंकि रियल नंबर के टर्म का मॉडुलस लिया जाता है, ध्यान दो, जबकि नॉर्म लीनियर स्पेस के टर्म का मॉडुलस नहीं लिया जाता, उसकी जगह यहाँ पर नॉर्म वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि जो काम रियल लाइन में मॉड करता है लेंथ निकालने का, वही काम नॉर्म लीनियर स्पेस में नॉर्म करता है लेंथ को निकालने का। तो वहां पर हम मॉड लेकर के देखते थे कि भाई उसके मॉड की जो मतलब सीरीज है, सीरीज के टर्म का मॉडुलस देते थे, फिर देखते थे उसका कन्वर्जेंस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर उसका कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करता था तो उसको हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहा करते, जैसे यहाँ पर सिंपल टर्म का हम सम देख रहे हैं, वैसे यहाँ पर उनके मॉडुलस का सम देखा करते थे, तो उसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहा करते थे, है ना। अगर मॉडुलस का सम इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करेगा तब, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखो वही चीज है, एब्सोल्यूटली समय वेबल में देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि ए सीरीज सिग्मा ऑफ यू एन एन बराबर 1 to infinity इज कॉल्ड एब्सोल्यूटली समय वेवल। ठीक है, समय वेवल इफ सिग्मा नॉर्म ऑफ यू एन एन बराबर 1 to infinity है ना लेस देन इंफिनिटी, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी है ना वो मतलब कुछ फाइनाइट आएगी, है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी मतलब 1 to infinity। देखो मतलब वही हुआ कि नॉर्म ऑफ यू वन प्लस नॉर्म ऑफ यू टू अप टू इन्फिनिटी की जो वैल्यू आएगी वो कुछ फाइनाइट आएगी, मतलब वही हुआ कि हम इसके नॉर्म को लेकर के टर्म्स के नॉर्म को ले और नॉर्म का सम ले लें इन्फिनिटी तक, और वो सम जो है ना वो हमारा एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ फाइनाइट होगी, ऐसा भी कह सकते हैं, तभी कहा गया वो इनफाइनाइट से कम होगी। मतलब वही हुआ यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर इसके है ना जैसे यहाँ पर कर रहे थे कि भाई जो इसके एन टर्म का सम है ना वो एस पर अप्रोच करेगा, मॉडुलस के एन मतलब नॉर्म के एन टर्म का सम लें वो एस पर किसी फाइनाइट नंबर पर अप्रोच करेगा अगर हम n tending to infinity लेते हैं तब। तो ये बच्चों हुआ absolutely समय वेवल, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नॉर्म का सम निकाल पाएंगे, उनके नॉर्म ले लें उनका सम ले लें। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे हम लोगों ने रियल नंबर में पढ़ा था, रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज absolutely कन्वर्जेंट है तो वो सिंपल कन्वर्जेंट होगी। रियल नंबर में क्या पढ़ा था कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जो सीरीज होती है वो हमेशा सिंपल कन्वर्जेंट होती है, ये हम लोगों ने रियल नंबर में पढ़ा था, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। अब रियल नंबर में जाएंगे, मेरा टॉपिक है, एक प्लेलिस्ट है अलग से, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज लिख दीजिए, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बाय HD मैथमेटिक्स, ये टॉपिक निकल आएगा। यहाँ मैंने सीरीज का कन्वर्जेंस बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज काम भर का मैंने समझा दिया। ठीक, रियल नंबर में ऐसा होता था अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो सिंपल कन्वर्जेंट होती थी, लेकिन नॉन लीनियर स्पेस में ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई सीरीज मतलब नॉट नेसेसरी कि इफ सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट देन इट इज सिंपल कन्वर्जेंट, इट इज नॉट नेसेसरी इन नॉन लीनियर स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस में ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो वो सिंपल कन्वर्जेंट हो, जबकि रियल नंबर में ये जरूरी था, मतलब ऐसा था कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट थी तो वो सिंपल कन्वर्जेंट भी थी, इस बात को नोट कर लो। नॉन लीनियर स्पेस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज सिंपल कन्वर्जेंट। बच्चों को अंग्रेजी लिखने में बड़ा मजा आता, अंग्रेजी लिखने को बोलते बड़े खुश, अरे सर अंग्रेजी लिखा दी, मजा आ गया लाइफ में। क्या होता है, हम लोगों ने गलत समझ लिया अंग्रेजी को मैथ्स और मैथ्स को अंग्रेजी समझ लिया, बस यही गलती हो गई और इसीलिए हम मैथ्स में पीछे रह गए। मैथ्स का अंग्रेजी से कोई ये काम किया मतलब क्या क्या, तुम मुझसे बुराई करवाओगे। अब ये जो आजकल बैठे हुए हैं ना एजुकेशन के बिजनेसमैन, इन्होंने ये काम बखूबी किया, मतलब मैथ्स को अंग्रेजी से जोड़ दिया,
उससे क्या हुआ, बच्चा डरने लग गया, है ना। छोटे शहरों गांव के बच्चे डरने लग गए कि अरे यार मैथ बहुत टफ है गुरु, ऐसा कुछ नहीं है, और अंग्रेजी भी यार जब मैथ सीख लेगा वो अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा क्या, कैसी बात करते हो यार, अंग्रेजी को इतना हवा बना दिया गया है हम लोगों के यहाँ कि मतलब सब कुछ अंग्रेजी ही है। आप कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, अगर आपको दो चार शब्द अंग्रेजी के नहीं आते तो मतलब आप फिर गंवार माने जाएंगे, अनपढ़ माने जाएंगे। ये साइकोलॉजी जो है बहुत गलत है, इसी से पिछड़ गए हम, इसी से हमारी टेक्नोलॉजी पिछड़ गई। जिनको आज अंग्रेजी आती है वो ये मत समझने कि अंग्रेजी में बहुत हम हीरो बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और जो मैथ समझ लेगा वो इंग्लिश भी समझ लेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिसने मैथ जैसा टफ सब्जेक्ट समझ लिया और ये सब चीज़ें, तो इंग्लिश में क्या दम है यार, क्या बात मतलब कर दी तुमने। चलो खैर ये बातें होती रहेंगी। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि समेबिलिटी और अब्सोल्यूट समेबिलिटी ये दो चीज़ें हैं। अब्सोल्यूट समेबिलिटी में क्या करते हैं, टर्म का नॉर्म लेते हैं फिर उनको इन्फाइनाइट तक जोड़ते हैं। अगर वो इन्फाइनाइट तक उनका सम आ गया, सिंपल में क्या करते हैं, सिंपल ही जोड़ते हैं इन्फाइनाइट तक। इसके लिए क्या करते हैं, जो SN है, है ना, वो S के आसपास होगा अगर N टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तब हम, ठीक है। देखो अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी, देखो उस थ्योरम को हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों थ्योरम है। अब ध्यान रखना ये थ्योरम थोड़ी लेंदी है, अगर ये वीडियो बीच में ब्रेक हो जाए, कट जाए, तो प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में बाकी का पार्ट अपलोड होगा। ये बात ध्यान रखना मेरे पूरे चैनल पर, अगर कोई वीडियो गलती से पढ़ाते पढ़ाते बीच में कट जाए तो समझ लेना कि हम प्लेलिस्ट पे जा करके अगले वीडियो पर हमको बाकी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हो सकता है ये वीडियो बीच में पढ़ाते, उसकी थ्योरम थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं चाहूँगा थ्योरम एक ही लेक्चर में पूरी हो, वो लेक्चर एक ही है, कई बार लेक्चर बीच में ब्रेक हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। देखो अब एक थ्योरम बच्चों हम लोगों को यहाँ पर जो पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो हमारे एग्जाम में जो है वो अक्सर आती है और हमको मालूम भी होना चाहिए। बनैक स्पेस या बनाच स्पेस जो भी आप कहें, है ना, मैं ये बात बनैक स्पेस क्या था, बनाच स्पेस क्या था, ये भी मैंने आपको बेटा पढ़ा दिया था, तो समझो बात को ध्यान से। ये थ्योरम उसी स्पेस को लेकर के यहां पर बनाई गई है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो मितवा जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, हो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। देखो बच्चों ये हमारी थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है, ए नॉन लीनियर स्पेस इज ए बनैक स्पेस या बनैच स्पेस इफ, इफ एंड ओनली, देखो आई डबल एफ है, आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली, एवरी अब्सोल्यूट समेवेबल सीरीज इज समेवेबल, है ना, एवरी अब्सोल्यूट सीरीज, है ना, इन एन और कर लो इन एन, अब जो भी है वो सब एन में ही है, क्या है, एवरी अब्सोल्यूट समेवेबल सीरीज इन एन, एन मतलब नॉन लीनियर स्पेस इज समेवेबल, मतलब नॉन लीनियर स्पेस मैंने एन माना है, तो कहते हैं कि कोई भी नॉन लीनियर स्पेस एक बनैक स्पेस बन जाएगा। मतलब बनैक स्पेस को बनाने के लिए देखो ये एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ऊपर कट गया मैं पढ़ देता हूँ, ए नॉन लीनियर स्पेस इज बनैक स्पेस इफ एंड ओनली इफ एवरी अब्सोल्यूट समेवेबल सीरीज इन एन इज समेवेबल, है ना, ये हमारी बच्चों देखो थ्योरम है, ऊपर थोड़ा सा कट गया समझ गए, ए नॉन लीनियर स्पेस इज बनैक स्पेस, ये यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है। देखो इसके पहले मैंने बताया था कि नॉन लीनियर स्पेस बनैक स्पेस तब बन जाता है जब वो कंप्लीट हो, कंप्लीट का मतलब जो हमारी कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाए। नॉन लीनियर स्पेस बनैक स्पेस तब बन जाता है, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, ये मैं आपको बनैक स्पेस की कंडीशन पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोज में, जाकर जरूर पढ़ लीजिए बेटा, कि एक नॉन लीनियर स्पेस जो है वो बनैक स्पेस तब बन जाता है जब वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट हो जाने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो
कौन सी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाए, है ना। देखो नॉन लीनियर स्पेस में कन्वर्जेंट तो हमेशा ही कॉची होती है ना, लेकिन अगर कॉची भी कन्वर्जेंट हो जाए तो ऐसे नॉन लीनियर स्पेस को हम ब्लैंक स्पेस कहते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो अब उसी ब्लैंक स्पेस को प्रूव करने का देखो मेरे पास ये एक और भी तरीका आ गया कि कह रहे हैं कि अगर अब्सोल्यूट समय वेवल सीरीज जो है वो समय वेवल हो, मैंने बताया था कि अब्सोल्यूट समय वेवल सीरीज का समय वेवल होना जरूरी नहीं है, है ना। अब्सोल्यूट समय जो भी पढ़ो यार अब्सोल्यूट समय वेवल समेवल अब्सोल्यूट समेवल सीरीज का समेवल होना जरूरी यहां पर नहीं होता, रियल नंबर में होता है यहां नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो स्पेस क्या बन जाएगा, ब्लैंक स्पेस या ब्लैंक स्पेस यहां पर बच्चों बन जाएगा। देखो ये थ्योरम हमको प्रूव करनी है, तो सबसे पहले देखो मैं यहां पर ये पार्ट प्रूव करूंगा। मैं ये मान लूंगा कि लेट जो हमारा n है, n मतलब नॉन लीनियर स्पेस जो है वो एक ब्लैंक स्पेस है, ये मैंने मान लिया। मैंने मान लिया कि हमारा जो नॉन लीनियर स्पेस है वो हमारा ब्लैंक स्पेस है। तो हमें मतलब अब देखो दो थ्योरम दो तरफ से, इफ एंड ओनली इफ, है ना। मतलब अगर वो ब्लैंक स्पेस है तो अब्सोल्यूट समेवल सीरीज समेवल होगी, अगर वो ब्लैंक स्पेस है तो अब्सोल्यूट समेवल सीरीज समेवल होगी। और उसका उल्टा भी प्रूफ करना है क्या कि अगर अब्सोल्यूट समेवल समेवल है तो ब्लैंक स्पेस होगा। तो पहले क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, पहले हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि मान लो वो हमारा जो n है वो ब्लैंक स्पेस है, मान लो वो ऐसा है, और अब हमें प्रूफ करना है कि अब्सोल्यूट समेवल सीरीज जो है वो समेवल होगी। देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove that every absolute, ठीक है, absolute summable series is summable। अब हमें देखो पहले यहां पर ये बात प्रूव करनी है ना, ये बात बच्चों हमें यहां पर प्रूव करनी है। तो इसके लिए मैंने मान लिया है ना, हमें क्या प्रूव करना है, जो absolute summable series है वो summable होगी, और n क्या है ब्लैंक स्पेस है, ऐसा दिया गया। तो मैंने मान लिया लेट सिग्मा ऑफ यू एन एन बराबर 1 टू इंफिनिटी इज अब्सोल्यूट अब्सोल्यूट समेबल। मैंने मान लो कि ये हमारी सीरीज जो है वो अब्सोल्यूट समेबल है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये समेबल होगी, है ना, ये अब्सोल्यूट समेबल है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये समेबल होगी। देखो और इस बात का यूज करना है कि n क्या है, एक ब्लैंक स्पेस है या ब्लैंक स्पेस है, ध्यान दो। देखो अब ये चूंकि अब्सोल्यूट समेबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा नॉर्म ऑफ यू एन एन बराबर 1 टू इंफिनिटी जो है ये लेस देन इंफिनिटी होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो है ना कुछ फाइनाइट होगी। मैंने कहा मान लो इसकी वैल्यू समथिंग k है और ये k कुछ ना कुछ हमेशा फाइनाइट होगा, मतलब ये वैल्यू जो है वो इंफिनिटी से हमेशा कुछ ना कुछ कम होगी। अच्छा अब हमें प्रूव करना है कि ये सीरीज समेवल है, ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये सीरीज समेवल है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया इसके n टर्म का सम ले लिया, n बराबर 1 टू n sn मान लिया, n टर्म का सम हमने क्या मान लिया sn, दिख रहा है थोड़ा ऊपर चला गया। देखो हमें क्या प्रूव करना है कि ये समेवल होगा, ये तो गिवन है, अब्सोल्यूट समेवल तो गिवन है, और प्रूफ क्या करना है कि ये समेवल होगा और ये ब्लैंक स्पेस इसका रास्ते में यूज करेंगे। देखो तो अब समेवल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि मैंने सिग्मा ऑफ यू एन एन बराबर 1 टू एन को मैंने एस एन मान लिया लेट। अब हमें क्या प्रूफ करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा कि एस एन माइनस एस अप्रोक्सीमेटली टेंड टू जीरो है एज एन टू इंफिनिटी, जैसे एन इंफिनिटी पर जाएगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो s के आसपास होगी, मतलब sn जो है वो s के आसपास होगा, या अगर n इन्फिनिटी पर जाएगा मतलब वही हुआ कि sn की n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट जो है वो s होगी, मतलब वही हो गया। तो हमें ये बात देखो बच्चों यहाँ पर प्रूव करनी है, इस बात को जरा यहाँ पर समझिए, और ये बात हमें देखो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इस बात को प्रूव करने के लिए, है ना, देखो ध्यान दो,
इस बात को प्रूव करने के लिए हमें इस बात का यूज करना है कि n क्या है, हमारा एक बनेच स्पेस है। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना, ये क्या है, हमारा एक बनेच स्पेस है। देखो ध्यान दो कि Sn जो है ना, Sn देखो, चूंकि हमने ये देखा है कि भाई ये बनेच स्पेस है, और बनेच स्पेस में क्या होता है, ये हम जानते हैं कि जो हमारी कॉची सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है, कन्वर्जेंट के लिए हमें क्या करना होगा, ये बात हम जानते हैं कि भाई बनेच स्पेस में जो हमारी कॉची सीक्वेंस होती है वो हमारी कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करें, चूंकि हमें ये शो करना है, हमें ये शो करना है, है ना, ये हमें प्रूव करना है, ये दिया नहीं गया, ये प्रूव करना भाई, ये प्रूव हो गया तभी तो सीरीज समेवल प्रूव हुई, गिवन तो ये है। अच्छा अब देखो, ये जो हमारी Sn है ना, Sn, Sn जो है, Sn, हम ये शो कर दें कि ये जो Sn है ये एक कॉची सीक्वेंस है, है ना, और बनेच स्पेस होने की वजह से कॉची हमेशा कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हम क्या कर दें, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट Sn इज कॉची सीक्वेंस। Sn वैसे तो Sn सम है, Sn क्या है, सीक्वेंस के n टर्म का सम है, लेकिन जो Sn आएगा इन टर्म्स ऑफ n वो भी तो एक सीक्वेंस हो गया। भाई मान लो आपने Sn निकाला और Sn की वैल्यू ही आ गई, तो Sn खुद भी तो है, तो वो मतलब सम किसका, सम सीक्वेंस के n टर्म का सम है। Sn जो होता है वो सीक्वेंस के n टर्म का सम होता है, लेकिन Sn खुद भी तो एक सीक्वेंस बन गया ना इन टर्म्स ऑफ n, इसलिए Sn को हम सीक्वेंस कर रहे हैं, इसलिए Sn को हम एक सीक्वेंस कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि Sn एक कॉची सीक्वेंस है, और अगर Sn एक कॉची सीक्वेंस है और कॉची जो है वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि ये बनेच स्पेस है, भाई बनेच स्पेस में कॉची क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, इस बात का यूज कर लें। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारी Sn है वो एक कॉची सीक्वेंस है। देखो कॉची सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि मान लो Sn जो है वो सिग्मा ऑफ यू आई, आई बराबर 1 टू n, मतलब ये n टर्म का सम हो गया, और Sn जो है वो सिग्मा ऑफ यू आई, आई बराबर 1 टू m, ये हमारा m टर्म का सम हो गया, है ना, क्योंकि कॉची सीक्वेंस के लिए क्या करना होगा, हमें Sn और Sn का जो डिफरेंस है वो हमें लेस देन एप्सिलॉन शो करना होगा, है ना। तो कॉची सीक्वेंस के लिए क्या करना होगा कि वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट नॉर्म ऑफ Sn माइनस Sm ये जो है वो लेस देन एप्सिलॉन शो करना होगा, क्योंकि कॉची सीक्वेंस की यही डेफिनेशन होती है, है ना, फॉर ऑल n m ग्रेटर इक्वल टू सम n नॉट, ऐसा लिखा जाता है, बार बार इसको लिखते नहीं है, मतलब कॉची सीक्वेंस को शो करने के लिए हमें ये बात शो करनी होगी। अगर ये बात शो हो गई तो Sn एक कॉची सीक्वेंस हो गई, Sn एक कॉची सीक्वेंस हो गई तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट भी हो गई, और वही हम चाहते थे कि भाई Sn को कन्वर्जेंट, वन हम चाहते थे कि Sn की इन्फिनिटी पर लिमिट निकले, Sn की इन्फिनिटी पर लिमिट निकले का मतलब क्या है कि Sn कन्वर्जेंट है। तो Sn को कन्वर्जेंट शो करने के लिए हम चाहते हैं कि Sn को हम कॉची प्रूव कर दें, कॉची का यही फायदा होता है, है ना, अगर हमने Sn को कॉची प्रूव कर दिया और कॉची कन्वर्जेंट होगी क्योंकि ये बनेच स्पेस है, ठीक है ना। अच्छा कॉची प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, कॉची प्रूव करने के लिए हमें ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, है ना, नॉर्म Sn माइनस Sn का, देखो यहां पर भी आप नॉर्म कर लो, यहां पर भी नॉर्म कर लो, क्योंकि Sn जो है ना वो नॉन लीनियर स्पेस में जा रहा है, Sn की जो वैल्यू है ना वो नॉन लीनियर स्पेस में जा रही है, ध्यान दो। देखो अब कुल मिला के हमें ये बात प्रूव करनी है, अगर ये बात प्रूव हो गई तो Sn एक कॉची शो हो जाएगी, लिखो जरा बच्चों ध्यान से, हाँ।
जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने ये भी माना है कि मान लो एन एम से बड़ा है, और वैसे भी एन एम से बड़ा होता है अल्फाबेटिकली देखेंगे तो एम के बाद एन आएगा, ऐसा मानते हैं हम। देखो जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो लंबी लंबी उमरिया। अब देखो हमें ये शो करना, तो देखो इसको लेके चलते हैं एस एन माइनस एस एम का नॉर्म। देखो ध्यान दो, एस एन का मतलब एन टर्म का सम और एस एम का मतलब एम टर्म का सम, तो एन टर्म के सम में से एम टर्म का सम जब माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा। जैसे देखो यू वन से लेकर के आप यू एन तक जा रहे हैं और उसमें से आपने यू वन से लेकर के यू एम तक को माइनस कर दिया, तो एम से लेकर के मान लो इसके पहले यहाँ कहीं एम आएगा तो यहां से यहां तक की चीजें माइनस हो जाएंगी। तो अब ये मत समझना कि m और n के बीच में एक ही टर्म तो हुआ, मान लो कुछ टर्म का गैप है n के बीच में, ठीक है ना। तुम सोचोगे अल्फाबेटिकली देखे तो m के तुरंत बाद ही तो n आ जाता है ना, ऐसा नहीं है। मान लो इनके बीच में कुछ टर्म का गैप है तो कुछ टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या। देखो कुछ टर्म बचेंगे, वो देखो क्या बचेगा, वो बचेगा सिग्मा ऑफ यू आई और आई बचेगा हमारा फॉर एग्जाम्पल एम प्लस वन से लेकर के एन तक। तो ऐसे देखो हमारे पास यहां पर कुछ टर्म ये बच जाएंगे, है ना। तो ये हमारे पास बच्चों कुछ टर्म देखो ये बच जाएंगे क्योंकि एसएन में से एसएम जब माइनस करोगे तो एम तक का सम निकल जाएगा। तो जैसे कि एम तक का सम निकल गया तो एम प्लस वन एम प्लस टू से लेकर एन तक की वैल्यू बच गई। तो ये वही टर्म है देखो यू एम प्लस वन यू एम प्लस टू यू एम प्लस थ्री एंड सो ऑन, उसकी देखो वैल्यू बच गई। देखो ध्यान दो। अच्छा अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ यू एम प्लस वन यू एम प्लस टू से लेकर के यू एन, ऐसे करके बचा रहेगा, एक ही बात ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा अब देखो नॉर्म की कंडीशन होती है इसको हम लेसर इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू एम प्लस वन प्लस भाई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेसर इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं यू एम प्लस टू, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं लास्ट में norm of u आएगा norm of x plus y, वही मतलब हुआ ना, norm of x plus y lesser equal to norm x plus norm y, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा समझो जरा ध्यान से, देखो अब क्या होगा जरा समझो यहां पर ध्यान से, हमें हमको क्या मालूम है, हमको ये बात मालूम है कि सिग्मा ऑफ norm fn n from 1 to infinity जो था वो less than infinity था क्योंकि absolute समयवेवल है, सम लेके चले। देखो 1 से लेके infinity तक का सम finite है और यहां पर जो सम आया वो क्या आया m plus n से लेके n तक का सम, तो ये जो सम होगा वो lesser equal to हो जाएगा हमेशा ये, बोलो ये सम हमेशा इससे lesser equal to ही तो हो जाएगा क्योंकि यहां पर आप 1 से इंफिनिटी का सम ले रहे हो। यू एन कर लो, चलो इसको यू एन ही लेके चले है ना, यू एन ही लेके चले ना शुरू से, हाँ यू एन कर लो चलो। तो यहां पर क्या होगा बच्चों समझो बात को ध्यान से, यू एन था या एफ एन था, चलो वो यू एन एफ एन एक ही बात है, अगर मैं गलती से पिछले उसमें एफ एन लिख गया था तो कोई बात नहीं, वो एफ एन और यू एन एक ही चीज है। जैसे यहां पर हम एफ आई यू की जगह UN का मतलब भी nth term और FN का मतलब भी nth term, तो जहां जहां UN है वो FN ही है, समझ लेना ठीक है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो जो भी है। देखो चूंकि ये m plus 1 से n तक का सम है और ये क्या है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक का सम, तो ये सम जो है इससे छोटा होगा और ये हम प्रूव कर चुके हैं कि लेस देन इंफिनिटी होगा, मतलब ये समथिंग कुछ k होगा, k का मतलब लेस देन इंफिनिटी होगा, और मतलब वही देखो आ गया कि ये जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन है ना, लेस देन समथिंग कोई नंबर एप्सिलॉन मान लो उससे छोटा होगा क्योंकि के है, अब के एप्सिलॉन किसी ना किसी से तो छोटा होगा ही होगा, वही हमारा एप्सिलॉन हो गया है ना। तो यही देखो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ये वैल्यू जो है भाई देखो ये एम प्लस वन से एन तक का सम है और ये वन से लेके इन्फिनिटी तक का सम है, तो ये जो सम है वो इस सम से छोटा होगा
और अगर ये छोटा है और ये वैल्यू हम इन्फिनिटी मान चुके हैं, मतलब ये हम मान चुके हैं कि समथिंग फाइनाइट है, और अगर ये फाइनाइट है तो ये भी किसी ना किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा, और यही हम लेस देन एप्सिलॉन होगा यही शो करना चाहते थे। मतलब जो हमारी एसेंस सीक्वेंस है वो क्या बन गई, एक कॉची सीक्वेंस बन गई। जो हमारी एसेंस सीक्वेंस है, जो हमारी ये जो एसेन था ना, एसेन क्या हो गया, मतलब यहां से ये बात प्रूव हो गई, क्या बोलो, कि जो हमारा एसेन है, एसेन क्या बन गया, कॉची बन गया। और अगर एसेन कॉची बन गया, और हम जानते हैं कि बनेच स्पेस में कॉची क्या होता है, हमेशा कन्वर्जेंट होता है, कॉची इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, कॉची क्या हो गया, हमेशा कन्वर्जेंट हो गया। तो इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि जो एसन है ये हमारी कन्वर्जेंट हो गया, एसन कन्वर्जेंट हो गया, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। एसन कन्वर्जेंट का मतलब ये सीरीज समय वेवल है, तो हमने एब्सोल्यूट समय वेवल को मान करके इसको समय वेवल प्रूव कर दिया। अब उल्टा क्या, अभी हमने इस थ्योरम में क्या किया कि n को बनेच स्पेस माना, और बनेच स्पेस मान के एब्सोल्यूट समेवल को समेवल शो कर दिया। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे, क्या कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि अगर एब्सोल्यूट समेवल समेवल है तो नॉन लीनियर स्पेस क्या बनेगा, बनेच स्पेस बनेगा। देखो अब इसका कन्वर्स करना होगा, देखो जरा बच्चों ध्यान से, इसको ध्यान रखना, ये वीडियो अगर बीच में ब्रेक हो जाए तो बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में जाएगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। देखो जरा बच्चों ध्यान से इसको, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, ऐ दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन उठो पे आए, दूर कहीं ले जाए। देखो अब हमें कन्वर्स प्रूव करना है, ठीक है। कन्वर्स का मतलब देखो ये हुआ कि हम ये मान लेंगे कि लेट एवरी एब्सोल्यूट समेवल सीरीज इन एन इज समेवल, हम ये मान लेंगे कि मान लो हर एक एब्सोल्यूट समेवल सीरीज जो है वो समेवल है ना, एंड वी हैव टू शो दैट, और हमें शो क्या करना होगा, हमें शो करना होगा कि जो एन है, एन का मतलब नॉन लीनियर स्पेस है, वो क्या होगा, बनेच स्पेस होगा। ये बात हमें शो करनी होगी कि नॉन लीनियर स्पेस जो है वो बनेच स्पेस होगा, है ना। अच्छा उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम एक कॉची सीक्वेंस मान के चलेंगे, है ना। फॉर दिस बनेच स्पेस शो करने के लिए क्या करना होगा, लेट एफ एन बी एनी कॉची सीक्वेंस, एफ एन बी एनी कॉची सीक्वेंस, एंड वी हैव टू शो दैट दिस कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, क्योंकि अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए तो हमारा जो नॉन लीनियर स्पेस है वो बनेच स्पेस बन जाता है, अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए तो, है ना। कन्वर्जेंट इन एन, एन में कन्वर्ज करनी चाहिए, एन में मतलब उसी सेट में कन्वर्ज करनी चाहिए, ये बात ध्यान दो। मतलब जो एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर एसएन का आंसर आता है, ये आंसर एन में ही जाना चाहिए, कन्वर्ज करे उसी एन में कन्वर्ज करे, ध्यान देना, है ना।
उसी सेट के अंदर कन्वर्ज करना चाहिए इसको। एक सेकंड, कोई जरा नॉक कर रहा है, एक सेकंड में। सॉरी, कोई नॉक कर रहा था। ठीक है, तो अब हमें क्या शो करना है कि fn जो है कोई कॉची सीक्वेंस है, हमें शो करना है कि ये कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना, क्योंकि अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन है एब्सोल्यूट समेवल सीरीज इन समेवल, ये हमें गिवन है, ये गिवन है यहां पर। देखो, अब चूंकि हम ये मान चुके हैं, हम क्या मानेंगे कि fn को एक कॉची सीक्वेंस है, तो मैंने माना है कि मान लो हमारा जो fn है वो कॉची सीक्वेंस है। ठीक, कॉची सीक्वेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्म ऑफ fn माइनस fm लेस देन एप्सिलॉन होगा। नॉर्म ऑफ fn माइनस fm, अब देखो ध्यान दो जरा यहां पर, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लेस देन 2^-k मान ले रहे हैं। k क्या है? कुछ पॉजिटिव। तुम कहोगे सर ये दिमाग की बत्ती कैसे जली कि ये माने? अब भाई ये अगर नहीं मानेंगे तो ये थ्योरम प्रूव नहीं हो पाएगी। एप्सिलॉन से मतलब कोई छोटी वैल्यू, तो हमने छोटी वैल्यू ये मान ली है ना। अब भाई ये मैंने नहीं प्रूव किया, देखो भाई इसको, ये प्रूव मैंने नहीं बनाया है, ये जो प्रूव हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन ने बनाया है हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। आप कोई आगे चल के नया प्रूव देना तो फिर मैं कुछ और मान लूँगा यहाँ पर, और ये ऐसे एक दिन में प्रूव नहीं आए, तो वो मान के चलें कि ऐसे उसके पीछे एक लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक अभी नहीं समझ में आता, आगे समझ में आएगा, क्योंकि जब इसको सम करते हैं तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये बात जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, के क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव। तो चूंकि ये एक कॉची सीक्वेंस है तो इनका डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा, ऐसा मैंने माना। एप्सिलॉन की जगह मैंने ये मान लिया, एप्सिलॉन की जगह मैंने 2^-k को मान लिया। देखो अब यहाँ पर, अच्छा मतलब वही है कि n और m जो है वो ग्रेटर इक्वल टू होंगे सम m नॉट या n नॉट, कुछ भी ऐसा हम कह सकते हैं। ये कॉची सीक्वेंस का मतलब ये होता है, ये मैंने बताया था आपको कि कॉची सीक्वेंस का मतलब हमेशा ये होता है। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया कि लेट fn के बी एनी सब सीक्वेंस ऑफ fn, मतलब इसी जो fn हमारी ओहो देखो फिर मैं un की जगह fn यहाँ ले गया, कोई बात नहीं, वो आप चाहे तो un हर जगह कर लो, वो दिमाग में नहीं रहता, कहीं मैं un ले लेता हूँ कहीं fn ले लेता हूँ, वो un ही fn है ध्यान रखना। तो मान लो मैंने कहा कि मेरे पास fn की कोई सब सीक्वेंस है, वो fnk है। सब सीक्वेंस का मतलब उसी में से कुछ टर्म उठा लिए, जैसे मान लो सीक्वेंस है, जैसे मान लो ये सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7, 9, तो इन्हीं में से 3 ले लिया, 7 ले लिया, ऐसे करके टर्म को उठा लिया, तो कुछ टर्म अगर हम उठा लेंगे तो ये सब सीक्वेंस हो जाता है, मतलब उसी में से लिए गए कुछ टर्म, लेकिन हाँ वही ऑर्डर होना चाहिए है ना, जो ऑर्डर एलिमेंट का सीक्वेंस में है वही ऑर्डर हमें भी मेंटेन रखना होगा, तब वो सब सीक्वेंस होता है, बात ध्यान रखना। देखो fn के को मैंने fn का कोई भी एक सब सीक्वेंस मान लिया, fn के का मतलब ये जो हमारी सीक्वेंस देखो इस तरीके से, इसका पहला टर्म fn1 है, फिर इसका दूसरा टर्म क्या है fn2 है, फिर इसका तीसरा टर्म fn3 है, ऐसे करके देखो मान लो ये हमारी fn के तक जा रही है ना, इस सीक्वेंस में हमारे मान लो ये k टर्म है, n1 n2 से n3 से लेकर के मान लो ये हमारे k टर्म है। अच्छा अब देखो मैंने क्या किया, इसमें से जो पहला टर्म था उसको g1 मान लिया है ना, और g2 मैंने क्या किया, दो के डिफरेंस को मान लिया है ना। देखो ये fn2-fn1 को मैंने g2 मान लिया, g1 का मतलब पहला टर्म, g2 का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, और देखो g3 का मतलब फिर देखो यहाँ पर fn3-fn2 एंड सो ऑन, ऐसे करके देखो यहाँ पर हम लोग चलते हुए चले गए, और जैसे gk जो होगा ये होगा fnk-fn और k-1, ऐसे करके देखो मान लिया।
अब ये सब क्यों मान रहे हैं ये अभी नहीं समझ में आएगा, इसके पीछे एक लॉजिक है जो बाद में समझ में आएगा, क्योंकि हम यूज करना चाहते हैं कि हर एक अब्सोल्यूट समवेबल सीरीज जो है वो समवेबल है। तो इसके लिए सब सीक्वेंस की हेल्प यहाँ पर थोड़ी हमने ली। देखो कैसे, अब ये सब मिटा देता हूँ मैं इसको यहाँ पर। देखो अब क्या होगा बच्चों, जरा समझो यहाँ पर ध्यान से। देखो अब मैं इस जरा सब सीक्वेंस को देखूं, अब जरा मैं इस सब सीक्वेंस को देखता हूं। देखो यहां पर ध्यान से, ये जो G1, G2, G3 है, अगर मैं इन सब का सम करता हूं, G1, G2, G3 का GK तक का अगर मैं सम करता हूं, इन सबको मैं ऐड करता हूं, देखो क्या होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल जो बचेगा वो FNK बचेगा, है ना। अगर G1, G2, G3, GK सबको सम करोगे, देखो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये बचेगा FNK, है ना, केवल हमें FNK मिलेगा। इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये जो हमारी सिग्मा ऑफ GI है, I की वैल्यू 1 से K तक जा रही है ना, यहाँ पर ये एक सीरीज हो गई और इसके के टर्म का सम FNK हो गया, है ना। तो इस सीरीज के टर्म का सम जो है वो क्या हो गया, FNK हो गया। अच्छा अब देखो समझो जरा।